ताजा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें जेएसआर टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। विधायकों को बंधक बनाने पर मध्य प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। कांग्रेसियों का आरोप है कि बीजेपी ने कांग्रेस के 22 विधायकों को बंधक बनाया हुआ है। विधायक जल्द ही रिहा हो और स्वतंत्र लोकतंत्र स्थापित हो सके, इसके चलते खरगोन में कांग्रेस नेताओं द्वारा महामहिम राज्यपाल के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। बीते दिन कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार पर जमकर तीखे प्रहार करते हुए महामहिम राज्यपाल के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के माध्यम से कांग्रेसियों ने कैद विधायकों को जल्द रिहा करने की मांग की है, जिससे राज्यसभा के निर्वाचन कार्य में किसी भी तरह की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही स्वतंत्र लोकतंत्र स्थापित हो सके। जिसने इस्तीफा दिया है उसको स्वयं आकर के या तो देना चाहिए, और नहीं अगर कोई और ला के देता है तो फिर उसको स्वयं आकर के बताना चाहिए कि मैंने स्वयं ने ये इस्तीफा दिया है और स्वेच्छा से दिया है, बगैर किसी दबाव के दिया है। लेकिन उस प्रक्रिया को बाधित किया जा रहा है और उनको बेंगलुरु में रोक के रखा गया है। एक विधायक के भाई पिताजी गए थे वहां उनसे मिलने के लिए। हमारे मंत्री जी जो हैं जीतू पटवारी जी के साथ, उनको उनसे मिलने नहीं दिया गया। पुलिस के द्वारा उनके साथ धक्का मुक्की की गई, अशोभनीय व्यवहार किया और उनको गिरफ्तार कर लिया। आज माननीय दिग्विजय सिंह जी वहाँ गए हैं हमारे 16-18 विधायकों को लेकर के, और वहां जाकर के उन्होंने उनसे मिलने की इच्छा व्यक्त की तो बेंगलोर पुलिस ने उनसे मिलने नहीं दिया। उनसे मिलने देने के बजाय दिग्विजय सिंह कोई हथियार लेकर तो गए नहीं थे, कोई बंदूक लेकर नहीं गए थे कि उनकी छाती पे जाके बंदूक लगा देते। वो तो बिल्कुल सादा उसमें गए थे और जाकर के उनसे चाहता है कि वो उनसे मुलाकात कर लें। राज्यसभा के मेंबर भी हैं दिग्विजय सिंह जी, लेकिन उनसे मिलने नहीं दिया और उनको गिरफ्तार करके कर्नाटक की पुलिस डीसीपी ऑफिस ले गई और वहां ले जाकर उनको बिठाए रखा। ये लोकतंत्र की सीधी सीधी हत्या है। लोकतंत्र ये प्रजातंत्र है, ये डिक्टेटरशिप नहीं है। भारत में, मध्य प्रदेश में भी डिक्टेटरशिप नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने विपक्षी दलों की सरकारों को गिराने के लिए ये षड्यंत्र रच रही है। ये तो कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी सीमा तक जाकर के उसके विधायकों को अगर बंधक बना ले और उनको आने नहीं दे तो फिर सरकारें कैसे चलेगी विपक्ष की। जेएसआर टाइम्स के लिए खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट।